नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारी न्यू वीडियो में। और आज का ये डीप फ्रीजर है, इसमें हम गैस चार्जिंग करेंगे। देखिए इसमें हम गैस चार्जिंग ये करेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी कैपिलरी तोड़ लेंगे और कैपिलरी तोड़ के हम चेक करेंगे कि कैपिलरी कहीं चौक तो नहीं है, क्योंकि इसमें चौकिंग की प्रॉब्लम है। तो ये आप देख सकते हैं फ्रिज की हालत, और फ्रिज में ज़्यादा सामान भी नहीं है, और ये होटल का सामान है। देखिए चटनी बड़ी अच्छी लग रही है देखने में। इसको बंद करते हैं हम लोग, नीचे देखते हैं। अंदर पानी है, कंडेंसर भी रोक दो। इस फ्रिज में गैस चौकिंग की और जो फिल्टर पूरा चौक हो चुका है, और इसमें ना पानी निकला है इस फ्रिज में, मतलब ये कंडेंसर में से, लेकिन पानी कहाँ से आया इसके अंदर ये पता नहीं चलता। इसको पूरा गर्म कर रहे हैं, गर्म करने के बाद इसको चलाएंगे एक बार, और इसका पूरा जितना भी एक बार प्रेशर प्लस मारेंगे। इसकी पिन निकाला जा रही है, इसकी फ्रिज को अब चलाया जा रहा है, इसको प्रेस मारेंगे। पानी आ रहा है इसमें, ये ऑयल है पानी है। फ्रिज बंद कर दिया, प्रेशर निकाल दिया, ये काट दिया फिल्टर, और इसके भी लग रहे हैं। जाम है,
34 नंबर गैस है और इसका जो बैग जाएगा 8-9 के बीच में, अभी ये 0 से भी कम है, माइनस में ये गैस छोड़ते हुए। ये इसका डिस्चार्ज है और ये सेक्शन है, ये फिल्टर इसका। गैस बंद करते हैं। ये चार्जिंग लाइन की गैस छोड़ी हमने, ये टूटी थी इसमें। 10 का बैग चल गया इसका, 9 का सॉरी। ये फ्रॉस्टिंग होनी चालू हो गया, कूलिंग होनी चालू हो गई। ये इसका 8 का प्रेशर है, रनिंग प्रेशर, और इसका हमने 8 का छोड़ा है क्योंकि अभी ठंड का टाइम है, गर्मी आते आते ये बढ़ जाता है। ये हो चुका है कंप्लीट, बस ये गेज निकालनी है, बाकी कंप्लीट हो गया।